हरे कृष्णा राधे राधे। एक विचार, सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो थोड़े गम मिल गए, क्या हुआ जो थोड़े गम मिल गए, कान्हा की हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। किसे कह रही हो ना, यहां हम जो भी भोग रहे हैं वो हमारे पिछले खुद के जन्मों के कर्मों का फल है। इन्हें हमें भोगना ही होगा, इनसे हम भाग नहीं सकते। बस कान्हा पर विश्वास रखो, उनका नाम जाप करते रहो और हर समय उन्हें याद करते रहो, क्योंकि भक्त के प्रेम के भूखे हैं भगवान। कोई भक्त उन्हें प्रेम और करुणा से पुकारे तो वो तुरंत ही दौड़े चले आते हैं। बस उस पुकार में वो विश्वास, वो प्रेम, वो आस्था, वो समर्पण का भाव होना चाहिए, है ना। भरी सभा में द्रौपदी सबको बुलाती रही, किसी ने भी मदद नहीं की। फिर उन्होंने कान्हा के सामने संपूर्ण समर्पण कर दिया और विनय भाव से पुकारा तो कान्हा तुरंत ही आ गए, है ना। प्रहलाद जी को देखो, मीरा बाई, कर्मा बाई, सुदामा, शबरी, विदुरानी, कितने ही भक्तों के एग्जाम्पल दो, है ना। अब ना कई लोग कहेंगे कि भाई वो तो युग ही अलग था। तो याद रखो, वो युग अलग था पर हमारे कान्हा, उनका प्रेम, वो अभी भी सेम वैसा ही है। अभी भी पुकारा उन्हें कलयुग में भी चमत्कार देखोगे। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत सुंदर और अद्भुत चमत्कार बताती हूँ, कान्हा क्या नहीं कर सकते। उससे पहले दिल से एक प्रार्थना। कान्हा, मेरे दिल की दीवारों पे छवि तुम्हारी हो, मेरे नैनों की पलकों में तस्वीर तुम्हारी हो, अंत समय आए और लबों पे नाम तुम्हारा हो, सांसें रुके पर दिल में ध्यान तुम्हारा हो, बस और कुछ ना मांगू तुझसे मेरे गिरधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कान्हा, ऐसी मेरी तकदीर हो, ऐसा मेरा समय हो, है ना। हर कोई यही चाहता है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो अब आपको इस वीडियो में अपने कान्हा जी के चमत्कार की एक सत्य घटना बताती हूं। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कान्हा जी साक्षात भक्तों की मदद के लिए नहीं आते, पर वो अपने अन्य भक्तों को ही निमित्त बना देते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम, अच्छा काम करना नहीं चाहते, जो हमने करने की सोचा भी नहीं होता, पर वो अचानक से हमारे हाथ से हो जाता है ना। उस काम को करवाते तो भगवान है ना, पर उसका पुण्य और आनंद जो होता है वो हमें मिलता है। किसी की मदद करो, किसी का भला करो, मन में बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, मन बहुत हल्का हो जाता है। आप सब ने कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा, पर क्या कभी ये विचार भी किया है कि कैसे कान्हा जी ने हमें चुना उस भलाई के काम के लिए। इसी विषय पे एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। ये घटना आज से 10-15 साल पहले की है। एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर आनंद। वो अमेरिका के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे। वो ब्रेन सर्जन थे, मतलब सर्जरी वाले डॉक्टर्स वैसे ही बहुत महंगे होते हैं और ऊपर से ब्रेन सर्जन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने खूब नाम, पैसा, शौहरत सब पा लिया था। और वो कहते हैं ना कि तेज रोशनी के पीछे कुछ अंधेरा भी जरूर होता है। ऐसा ही डॉक्टर साहब के साथ भी था। अमेरिका क्या पूरे विश्व में उनका बहुत नाम था। हाथ उनका इतना साफ था कि कभी कोई ऑपरेशन नाकामयाब नहीं हुआ। उनका जो सक्सेस रेट था वो 100% था। जो मरीज उनके पास आएगा उसका ठीक होना निश्चित ही था। किसी इंसान को इतनी नेमत, इतना सत, सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिलता है। वो डॉक्टर साहब इंडिया से बिलोंग करते थे। उनके माता पिता अभी भी इंडिया में ही रहते थे। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो गई थी और बहन का भी बड़ा अच्छा सुंदर खुशहाल परिवार था।
जो उनकी बहन थी वो उनके माता पिता से का जो घर था उससे थोड़ी ही दूर पे रहती थी, ताकि भाई उनका ख्याल रखा जाए, भाई तो अमेरिका में था। और सिर्फ इसीलिए ही डॉक्टर साहब भी अपने माता पिता की तरफ से निश्चित थे, उन्हें अपने माता पिता से बहुत प्रेम था। डॉक्टर साहब की माता जी बिहारी जी महाराज की सच्ची भक्त थी, उनका हर महीने वृंदावन जाना निश्चित था। डॉक्टर साहब भी जब छोटे थे तब अपने माता पिता के साथ बहुत बार वृंदावन गए। ऐसा नहीं कि वो जो डॉक्टर आनंद थे वो भगवान को मानते नहीं थे, पर जब से अमेरिका शिफ्ट हुए वही के हो गए, भारत आना उनका हो ही नहीं पाता था। समय की कमी कह लो, या भाई वो कहते हैं ना कि सफलता हमसे बहुत कुछ ले भी लेती है, है ना, बहुत कुछ देती है तो बहुत कुछ छीनती भी है, तो यही डॉक्टर साहब के साथ था। डॉक्टर साहब की शादी हो गई थी और उनका 6 साल का एक बेटा भी था। जब भी माता पिता से बात होती तो वो बेटे को भारत बुलाते और बेटा उन्हें अमेरिका। माता पिता भारत छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, है ना, और माता जी तो वृंदावन जाए बिना रह ही नहीं सकती थी। एक बार की बात बताती हूँ, मतलब प्रेम बता रही हूँ कि अगर किसी को वृंदावन से प्रेम हो जाए तो वो गृहस्थी में भी रहते उसके क्या हालात होते। एक बार जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बहुत जिद करके अपने माता पिता की फ्लाइट की टिकट बुक करा दी और बोला भाई 2 महीने के लिए यहाँ अमेरिका में मेरे पास रहने के लिए आ जाओ, अमेरिका घूम के वापस चले जाना। दोनों ने बेमन से हाँ तो कर दी, क्योंकि भाई उन्हें बेटे बहू पोते से मिलने का तो मन करता ही था ना, है ना, पर वो जा ना सके। हुआ कुछ यूं कि जो उनकी माता जी थी वो बहुत बीमार हो गई, और सिर्फ ये सोच सोचकर कि मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगी और अमेरिका में मैं अगर रही तो, माता जी को जो चेक करने के लिए डॉक्टर आए थे उन्होंने डॉक्टर आनंद को बताया कि भाई आपकी माता जी को तो दिमागी चिंता ज्यादा उन्होंने ले रखी है, इसलिए जो दवाई है वो शरीर पे असर ही नहीं कर रही है। इतनी उनकी सीरियस हालत हो गई थी कि भाई सबको अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल ही करना पड़ा, और जब प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो माता जी ठीक भी हो गए। माता पिता यहां और बेटा वहां, बस फोन और वीडियो कॉल से ही रिश्ते जुड़े हुए थे। अच्छा, अब एक समय क्या हुआ, डॉक्टर साहब को बहुत दिनों से है ना मन में कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, पर उस बेचैनी परेशानी का कोई कारण तो उनके पास था ही नहीं, है ना, भाई सब बहुत बढ़िया था, कोई पैसे की कमी नहीं, कोई काम में दिक्कत नहीं, कोई घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने फोन पे अपनी माँ को ही बताया कि मन बहुत बेचैन हो रहा है, बुझा बुझा सा लग रहा है, परिवार में बीवी के साथ काम पर सब बढ़िया था फिर भी मन शांत नहीं था। एक इंसान जिंदगी में जो कुछ चाहता है वो सब डॉक्टर साहब के पास था, कहीं दूर दूर तक भी किसी कमी का कोई ख्याल भी नहीं था, है ना। फिर ऐसा मन क्यों हो रहा था नहीं पता। दिन बीते हफ्ते बीते पर डॉक्टर साहब का मन ठीक नहीं हुआ। अच्छा, उनकी वाइफ ने उनको बहुत फोर्स किया और कहा कि भाई आए काम कर लो, काम से छुट्टी ले लो और हॉलीडेज के लिए हम चलते हैं। बहुत समय से आपने छुट्टी नहीं ली। अब उनकी बात मानकर शहर के बाहर वो चले गए, समय बिताया, पार्टी की, दोस्तों के साथ गए, पर अभी भी ये सब करने के बाद भी मन में शांति नहीं मिली। मन हर समय खोया खोया सा ही रहता था, कुछ भारीपन सा वो महसूस करते थे। अब जब 1 महीना हो गया तब डॉक्टर साहब ने कहा कि अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे कहीं चैन नहीं मिलता। तब उनकी पत्नी और मां ने कहा कि भाई भारत चलते हैं फिर, और इंडिया में आके शायद कुछ बेटर लगेगा, है ना, मां बाप से मिलकर। अब डॉक्टर साहब तुरंत ही मान गए, टिकट बुक करवाई गई। अब जो भी उन्होंने जिस डेट की कराई थी वहां से फ्लाइट से बढ़िया से वो आ गए। सब बहुत खुश हुए उनसे मिलकर, उनके माता पिता को तो जैसे समझो नया जीवन ही मिल गया। अपने पोते से मिलकर उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि कहा ही नहीं जा सकता। इंडिया में आके डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर भी जो मन में भारीपन था वो कुछ तो कम था बट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अब पूरे परिवार के साथ वो वृंदावन भी गए बिहारी जी महाराज के दर्शन किए। उनका बेटा, क्योंकि भाई अमेरिका में पैदा हुआ था और अमेरिका में पढ़ा भला था, तो वृंदावन में आकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अमेरिका में कभी भी ऐसा नहीं देखा था, और जो उसकी दादी खाना बनाती थी उसके तो कहने ही क्या। सब बहुत बढ़िया हो गया, पर डॉक्टर साहब का अभी भी मन में जो बेचैनी थी वो स्टिल वही थी। उसने अभी भी मतलब एक थी ना, क्या कहा जाए, भारीपन था, वो अभी भी ठीक नहीं था। डॉक्टर साहब बिहारी जी से पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ ठाकुर जी, क्यों मन ऐसा बेचैन हो रहा है, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला।
उनकी वापसी की टिकट एक हफ्ते बाद की थी। अच्छा, जो उनकी मम्मी थी वो उनके लिए तरह तरह की डिशेस बनाने में लगी हुई थी। भाई अपना एक है ना, हर मम्मी को होता है बेटा, मेरा बेटा बड़ा कमजोर हो गया है और वो हर चीज आज ये बनाती हूँ आज ये बनाती हूँ। भाई उनको पता था अगले हफ्ते बेटा तो चला ही जाएगा और अमेरिका में उसे ये सारी चीजें मिलती नहीं। अच्छा एक दिन क्या हुआ, मतलब विधि का विधान कहूं या अपने कान्हा का छलियापन कहूं, है ना, वो भी बड़ी लीला रचते हैं। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बहन के पति से मिलने उनकी दुकान पे गए हुए थे। भाई बहन बगल में ही रहती थी, पास ही में रहती थी, और जो उनके बहनोई थे, मतलब जो बहन के हस्बैंड थे, वो केमिस्ट थे। डॉक्टर साहब वहां बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे। उनकी जो दुकान थी वो ऐसी नॉर्मल सी छोटी सी केमिस्ट की नहीं थी, बहुत बड़ी दुकान थी और उसमें बहुत भीड़ थी। उनका जो स्टाफ था काम करने वाले वर्कर्स का, वो भी बहुत ज्यादा था। सभी चुस्ती से काम करने में लगे हुए थे और डॉक्टर साहब और उनके बहनोई बैठ के बातें कर रहे थे। तभी जोर से काउंटर पर सिक्का गिरने की आवाज हुई। सबने देखा, एक छोटी सी प्यारी सी परी जैसी सुंदर लड़की ने वो सिक्का उछाल के काउंटर पे फेंका था। अब वो जो लड़का था जो वहां पे दवाइयां दे रहा था, वो एकदम ही बड़ी तेज गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? किसके साथ आई हो? ऐसे सिक्का उछालते हैं, काउंटर का शीशा टूट जाता तो? अब एकदम ही इतनी तेज आवाज सुन के वो लड़की डर गई, अपनी प्यारी तोतली आवाज में बोली, सॉरी भैया, और एकदम ही रोने लगी। डॉक्टर साहब के बहनोई खड़े हुए, भाई वो भी बहुत सज्जन पुरुष थे, वो आगे आए और प्यार से बोले, अच्छा अच्छा रो मत, चुप हो जाओ, लो ये टॉफी खाओ। और उन्होंने डब्बे से निकालकर एक टॉफी उसकी तरफ कर दी। लड़की ने नाम सर हिलाया, मुझे नहीं खानी है। अब डॉक्टर साहब भी उस लड़की के पास आए और देखने में वो लड़की बिल्कुल परी, मतलब मैं कहूंगी साक्षात हमारी दूसरी राधा रानी, और उससे पूछने लगे, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम ऐसे यहाँ पे अकेली क्यों मार्केट में आई हो? कुछ लेना है क्या तुम्हें? तो लड़की बड़े प्यार से बोली, माँ बापू भैया के साथ है, अंकल मुझे ना चमत्कार लेना है, वो दे दो। और ये कह के उसने अपनी फ्रॉक की जेब में से एक थैली निकाली। उस थैली में बहुत सारे सिक्के भरे हुए थे, 1 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के, पर सिक्के ही सिक्के थे। डॉक्टर साहब और उनके बहनोई एक साथ बोले, चमत्कार? इसका मतलब बेटा यहाँ तो दवाई मिलती है लोगों को ठीक करने के लिए, ये चमत्कार तुम्हें किसने बताया? लड़की फिर बोली, अगर दवाई यहां मिलती है तो चमत्कार भी आपके यही मिलेगा, और मुझे दे दो ना प्लीज। तो डॉक्टर साहब के बहनोई ने पूछा, बेटा आपसे ये बात किसने कही है? तो लड़की बोली, अंकल मेरे भैया के शरीर में ना ट्यूमर हो गया है, पापा कल मम्मी को बता रहे थे कि डॉक्टर साहब 4 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं, और मेरे पापा बहुत रो रहे थे, मम्मी को कह रहे थे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, ना कोई जमीन है, भैया का इलाज कैसे होगा, और उनको समझ ही नहीं आ रहा था, पर अंकल मैंने पैसे बचा के रखे हुए हैं और मैं अपने भैया को बचाऊंगी, अगर समय पे मेरे भैया का इलाज नहीं हुआ ना तो वो ठीक नहीं होगा, और मेरी मम्मी कह रही थी कि अब तो कोई चमत्कार ही मेरे भैया को बचा सकता है, तो अंकल देखो मैं अपने और भैया की गुल्लक के सारे पैसे ले आई हूँ, आप ये ले लो और मुझे चमत्कार दे दो। अब वो सारे, मतलब बच्चा इस तरह से बोल रहा है, रो रहा है, और सारे उस नन्ही परी को देखे जा रहे हैं, और उसके आंसू देखकर, मतलब जितने वहां पे लोग खड़े थे वो भी रोने लग रहे हैं, और बिल्कुल एकदम सन्नाटा सा, क्योंकि मतलब कई बार है ना ऐसा होता है, हम इतना हेल्पलेस फील करते हैं कि प्रभु क्या हो रहा है और हम कुछ मदद नहीं कर सकते, है ना। और जितने ग्राहक खड़े थे ना, वो भी बेचारे वहां पे जड़ होकर उस बच्ची की बात सुन रहे थे, और कितनी मजबूरी में उनका परिवार था कि मतलब, और छोटा बच्चा बीमार और कोई मदद नहीं कर पा रहा, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। अब डॉक्टर साहब थे वो खड़े हुए और बोले, बेटा पहले तो चुप हो जाओ, चमत्कार रोते हुए नहीं लेते हैं, तुम जैसी प्यारी बच्ची अगर रोएगी तो बिहारी जी महाराज चमत्कार कैसे करेंगे, लो चॉकलेट लो और एक अपने भाई के लिए भी रखो, वो जल्दी घर वापस आ जाएगा, तब तुम उसे ये चॉकलेट दे देना। अब डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को इतने प्यार से बात बोला तो बच्ची को भी कुछ थोड़ा ठीक लगा, उन्होंने काउंटर से बाहर आके बच्ची को गोद में उठाया और जो उसके पैसों की थैली थी वो पकड़ ली और बोला, ठीक है अब तुमने चमत्कार खरीद लिया। अब डॉक्टर साहब लड़की के साथ उसके घर गए, उनको बोला, चलो मुझे अपने घर ले चलो।
वहां उसकी माँ हॉस्पिटल जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। घर का माहौल बिल्कुल साधारण सा, बहुत पुराने जमाने का घर, जो उसकी माँ थी उसके तो हालात क्या ही कहे जाए। डॉक्टर साहब को देखते ही वो बड़ी हैरान बोली और बोली, आप तो डॉक्टर आनंद हो ना, थोड़े दिनों पहले मैंने आपकी फोटो अखबार में देखी थी, आपको तो प्राइज मिला है ना। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, जी मैं डॉक्टर आनंद हूँ, और क्या हुआ है आपके बेटे को, क्या मैं उसकी रिपोर्ट्स देख सकता हूँ। अब डॉक्टर की बात सुनकर उनकी माँ जोर जोर से रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब हैं, इलाज के पैसे नहीं है, हम आपकी फीस नहीं दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले, आपकी बिटिया तो मुझे फीस देकर ही लाई है। और उन्होंने जेब से निकालकर वो थैली दिखाई, तो जो उसकी माँ थी तो पहले ही हड़बड़ा रही थी और फिर डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आ रही थी, भाई क्या कह रहे हैं, ये थैली में तो कुछ चंद सिक्के ही है ना, तो ये कैसे इनकी फीस हो सकती है, जबकि इनकी फीस तो लाखों में होती है भाई, बाहर अमेरिका के डॉक्टर हैं। वो बोली, डॉक्टर साहब मैं कुछ समझी नहीं। तो डॉक्टर साहब बोले, लो इन पैसों से बिहारी जी महाराज को प्रसाद चढ़ाना और मुझे अपने बेटे की फाइल दिखाओ। उस गुड़िया की माँ बहुत ही खुश हुई, वो रोए जा रही थी और पेपर्स डॉक्टर साहब को दिखा रही थी। डॉक्टर साहब ने देखा उनके घर में एक बहुत बड़ी बांके बिहारी जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है। डॉक्टर साहब बोले, अरे क्या आप भी बिहारी जी के भक्त हो। तो जो उसकी माँ थी वो बोली, भक्त कहाँ, हम तो उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, वो हमारे मालिक हैं। और आज देखो बिहारी जी महाराज ने कितनी कृपा करी कि आपको खुद यहाँ भेज दिया और आप बंटी का ऑपरेशन करने के लिए खुद से कह रहे हो, ये सब बिहारी जी महाराज का चमत्कार ही तो है। वैसे हमारे पास तो देखो पैसे नहीं है जो हम बंटी का इलाज करवा पाते, पर अगर जो पैसे कुछ होते भी तो आप जैसे बड़े डॉक्टर की तक तो हम पहुंचने की सोच भी नहीं सकते थे। उसकी माँ रोए जा रही थी और रोने वाली बात भी थी, मतलब कभी हम बिल्कुल एकदम निराश हो जाए जिंदगी से और एकदम सामने हमें रोशनी का इतना बड़ा वो दिख जाए, तो उससे बताओ इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। उनकी बातों को सुनकर डॉक्टर साहब की आंखें भी कुछ नम थी। आज उस समय उनके घर पर रहकर जब वो पानी पी रहे थे तो डॉक्टर साहब को कुछ शांति लग रही थी और उन्हें लग रहा था वाकई प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कैसे वो अमेरिका से यहाँ आ गए, कैसे अचानक से गुड़िया से मिले, क्योंकि सुबह तक उनका अपने बहनोई से मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो घर में बेचैनी की वजह से ही पड़े हुए थे और उनकी माँ ने उनको जबरदस्ती बोला कि भाई तुम उधर चले जाओ उनसे मिलने के लिए, है ना। तो देखो ये सब कहीं ना कहीं लीला ही थी ना, वरना अगर वो घर में सो रहे होते तो गुड़िया से कैसे मिलते, है ना। और अब डॉक्टर साहब को समझ आ रहा था कि भाई उनका मन क्यों बेचैन था, क्यों वो यहाँ इधर इस घर में बैठकर उन्हें चैन सा कुछ महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बंटी का इलाज किया और कुछ ही दिनों में बंटी बिल्कुल ठीक हो गया और घर वापस आ गया। डॉक्टर साहब ने अपना अनुभव अपनी माँ को बताया और वो भी सन रह गई थी। सच्ची हम बस भगवान पर विश्वास करना होता है संपूर्ण समर्पण के साथ, शुद्ध भाव, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ श्रद्धा रखनी होती है। बाकी सच्ची बता रही हूं, कितनी भी बड़ी परेशानियां उसका हल हो ही जाता है, बस सब कुछ छोड़ दो। हम कहते हैं हमें विश्वास है, पर जब परेशानी आती है ना तो हम ही सबसे पहले कहते हैं भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। ये एक सत्य घटना है और विश्वास रखो, सचमुच अगर आप में अटूट श्रद्धा हो तो आपको कोई नेक काम करना चाहते हो तो कृष्ण किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर से ही करते हैं, बस वो बात होनी चाहिए। आपको भी जब कभी किसी की सेवा का, मदद करने का मौका मिले जरूर करना, दिल को बहुत शांति मिलेगी। याद रखो, अगर फूल को कान्हा के गले का हार बनना है, तो उसे अपने पेट में सुई की नोक से छेद करवाना ही पड़ेगा। अगर सोने के टुकड़े को कान्हा के गले का हार बनना है तो उसे भट्टी में गलना ही पड़ेगा। और अगर चंदन को कान्हा के माथे पे लगना है तो उसे पत्थर पर घिसना ही पड़ेगा, है ना। उसी तरह अगर हमें कान्हा के शरणागत होना है तो
कठिनाइयां रहते हुए भी त्याग के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, याद रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं आप बात समझ गए होंगे, साथ ही इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें कुछ नम हुई होंगी, दिल की धड़कनें भी बड़ी होगी, शरीर में कुछ कंपन भी हुआ होगा। तो प्लीज इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि सबका विश्वास कान्हा जी पे और पक्का हो सके। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।